HDFC Bank, Reliance, TCS, Infosys, Marico, Pidilite, Asian Paints और ऐसी कई कंपनीज जो आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंची है, हर इन्वेस्टर इनको जानता है, हर म्यूचुअल फंड की कहीं ना कहीं कोई ना कोई होल्डिंग है इन सब कंपनीज में। बट क्या आपको पता है, जब ये कंपनीज अपने शुरुआती स्टेज पे थी, जब इन कंपनीज को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पूछता था, तब ये कंपनीज कैसे अपने आप को इतने बड़े मुकाम पे लेके गई, क्या इन कंपनीज को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और क्या रही थी इन कंपनीज की हिस्ट्री, कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और इस वीडियो में हम HDFC बैंक, टाइटन और मारिको, इन तीनों कंपनीज की हिस्ट्री जानने वाले हैं, कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और क्या इन कंपनीज ने किया जो आज ये इतनी बड़ी हो चुकी है। तो और स्पेशली मारिको की हिस्ट्री तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, तो उसको जाने बिना जरूर मत जाना। सो चलिए शुरू करते हैं HDFC बैंक से। HDFC बैंक 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। एक्चुअली 1990s में जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता था, बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता था जो कि वो बैंक रन करता है। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट करने के लिए RBI ने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी बैंकिंग लाइसेंस देना चाहते हैं। और यही जानकर HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे मिस्टर दीपक पारेख, उन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। एक्चुअली HDFC बहुत ही अच्छा कर रही थी, जो उनकी पेरेंट कंपनी है, नॉट HDFC बैंक, जो उनकी पेरेंट कंपनी और जो बहुत ही बढ़िया कर रही थी, तो उन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और उनको एक साल के अंदर बैंकिंग लाइसेंस मिल भी गया। बैंकिंग लाइसेंस के बाद मिस्टर दीपक पारेख को एक टीम बनानी थी जो ये बैंक को एक्चुअली रन करेगी। यहाँ पे एंट्री होती है आदित्य पुरी जी की। आदित्य पुरी जी की हिस्ट्री भी बहुत ही कमाल की है। वो पहले M&M में काम करते हैं, महिंद्रा में, बट उन्होंने देखा कि उनके कजिन की जॉब थी सिटी बैंक में और वो कजिन बहुत ही अच्छा कमा रहा था और बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल थी और यहाँ पे आदित्य पुरी जी को इतनी ज़्यादा पे नहीं मिल रही थी, तो उन कजिन की मदद से उनको सिटी बैंक में जॉब मिली और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया सिटी बैंक में और एक टाइम पे तो वो मलेशिया के डिपार्टमेंट के CEO भी हो चुके। तब उन्होंने दीपक पारेख जी ने कहा कि मुझे चाहिए कि आप HDFC बैंक रन किए कट करिए। तो तब आदित्य पुरी जी ने कहा कि मेरी यहाँ पे अच्छी खासी जॉब है और मुझे अच्छी खासी पे मिल रही है, बट तो मैं HDFC बैंक क्यों ज्वाइन करूँ। तो दीपक पारेख जी ने उनको कहा कि देखिए, हम सैलरी तो इतनी दे नहीं पाएंगे बट आपको ये कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे। और अगर आप देखोगे आज भी HDFC बैंक आदित्य पुरी जी रन कर रहे हैं और उन्हीं के गाइडेंस के अंडर आज HDFC बैंक इंडिया का टॉप फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सो एक बार टीम बनने के बाद HDFC बैंक का नाम डिसाइड करना था। क्या आपको पता है कि HDFC बैंक का नाम HDFC बैंक होने ही नहीं वाला था पहले, बिकॉज जो HDFC जो पेरेंट कंपनी थी वो बहुत ही अच्छा कर रही थी और दीपक पारेख जी को नहीं चाहिए था कि अगर ये बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा उनके पेरेंट कंपनी को, उनकी ब्रांड वैल्यू खराब होगी। दीपक पारेख जी को ये नहीं चाहिए था कि बैंक का नाम HDFC बैंक, पहले सोचा गया था कि बैंक ऑफ बॉम्बे रखेंगे बिकॉज इनका हेडक्वार्टर बॉम्बे में था, और दूसरा नाम भी सजेस्ट किया गया था कि एवरेस्ट बैंक रखते बिकॉज एवरेस्ट माउंटेन की तरह ये बैंक नई नई ऊंचाइयों को छुएगा, बट ऑब्वियसली एट दी एंड HDFC बैंक ही हुआ बिकॉज HDFC का नाम अच्छा हो चुका था पहले से बिकॉज ऑफ देयर गुड परफॉर्मेंस। तो ऐसे पड़ा HDFC बैंक का नाम। शुरू में बिकॉज HDFC बैंक के पास ज्यादा कैपिटल नहीं था तो कॉस्ट कटिंग पे बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब उन्होंने फर्स्ट ब्रांच बनाई थी तो उन्होंने बहुत ही खर्चा किया था, मार्बल्स लगाए थे, सब ऐसे चमक रहा था बैंक में, बट उन्होंने नोटिस किया कि कस्टमर को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बैंक में आते थे, अपना जो काम करते थे वो हो जाता था और बाद में निकल जाते थे, ज्यादा इंटीरियर पे कोई ध्यान ही नहीं देता था। और इतना ही नहीं, जो कैश मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज होते थे जिनको कैश गिनना रहता था, उनके जो चेयर के जो हैंडल्स थे, जो आर्म रेस्ट होता है, उसको भी नहीं रखते थे बिकॉज उन्होंने नोटिस किया कि ये जो कैश मैनेजमेंट के लोग रहते हैं उनको पैसा ही गिनना रहता है मोस्टली, उनको ये आर्म रेस्ट की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी हटा दीजिए, हमें वो भी नहीं चाहिए। और धीरे धीरे बैंक ने नए नए एक्विजिशन करके रिटेल पार्ट में भी अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया और नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को ऑफर किए, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड अप्रोच। पहले जो बैंकिंग होती थी वो ब्रांच टू ब्रांच होती थी, दूसरे ब्रांच को पता भी नहीं होता था कि इस ब्रांच में कितने कस्टमर्स हैं, क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितने लोन बांटे जाते हैं। HDFC बैंक ने ऐसा नहीं किया, HDFC बैंक ने पूरा जो जितने भी ब्रांच है उसका एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखा। सेकेंड, सेम डे चेक सेटलमेंट, मतलब जो चेक दिया जाता था वो सेम ही डे पास हो जाता था। थर्ड, जो BSE NSE का जो सेटलमेंट रेशियो था उनको भी उन्होंने ऑफर किया अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे कि सेम डे पे सेटलमेंट हो जाएगा जो बाय एंड सेल होता है शेयर्स का वो। और ऐसे कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को ऑफर करके आज HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और ग्लोबली इंडिया को प्राउड फील कराता है। सो ये थी स्टोरी HDFC बैंक की। अभी हम सेकेंड कंपनी पे आते हैं जो है टाइटन।
अपने बिग बुल राकेश झुंझुनवाला की सबसे फेवरेट कंपनी। सो टाटा के फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर जक्सी देसाई। जक्सी देसाई एक्चुअली पहले टाटा प्रेस में काम करते थे और जब वो टाटा प्रेस में काम करते थे तब उनकी मुलाकात हुई मिस्टर महादेवन से। एक्चुअली मिस्टर जक्सी देसाई को जो टाटा प्रेस से उनकी अर्निंग हुई थी वो कहीं पे इन्वेस्ट करनी थी जहाँ से उनको अच्छे से रिटर्न मिल सके, और यहीं पे महादेवन जी ने उनको कई सारे बिजनेस आइडियाज दिए जैसे कि फिशिंग, ग्लास और एंड वॉचेस। और इसमें से मिस्टर जक्सी देसाई को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वॉचेस का बिजनेस, बिकॉज इंटरनेशनल वॉचेस की तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी और ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं था वॉचेस के सेक्टर में, और स्पेशली कॉर्ड्स वॉचेस जो होती है उनकी तो कुछ ज़्यादा ही डिमांड थी, और उनको लगता था आने वाले समय में फ्यूचर में कॉर्ड्स वॉचेस की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और यहीं से आइडिया आता है टाइटन का। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, वॉचेस के सेक्टर में गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था कि जो बड़े प्लेयर है, टाइटन एक्चुअली टाटा के अंडर आता है, और गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था कि जो बड़े प्लेयर है वो वॉचेस के सेक्टर में अप्रूवल मिले, तो उसी की वजह से टाइटन को अप्रूवल ही नहीं मिल रहा था वॉचेस के सेक्टर में बिजनेस करने के लिए। और यहाँ पे महादेवन जी ने फिर से जक्सी देसाई जी की हेल्प की, उन्होंने उनको तमिलनाडु बुलाया और उन्होंने बोला कि मुझे एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है वो जो मोस्टली वॉचेस के अंडर ही रहेगा। और यहाँ पे जक्सी देसाई जी को तो पहले से इंटरेस्ट था वॉचेस के सेक्टर में, उन्होंने तुरंत से उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ से एस्टेब्लिश हुई टेटको। और ऑब्वियसली टेटको के अंदर एक पार्टनर थे मिस्टर जक्सी देसाई की कंपनी, बट उन्होंने टाइटन नाम नहीं डाला था, उन्होंने टेस्का इन्वेस्टमेंट के नाम से अपनी पार्टनरशिप को बताया था टेटको के अंदर। एंड ऑब्वियसली थोड़े टाइम के बाद टाटा ने इस कंपनी को खरीद लिया और इसका नाम बदल के रख लिया टाइटन। एक्चुअली टाइटन का नाम कैसे पड़ा वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टी आता है टाटास के लिए, आई आता है इंडस्ट्री के लिए, और TAN आता है तमिलनाडु के लिए, बिकॉज ये कंपनी की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी तो तमिलनाडु के लिए TAN आता है। सो इस तरह टाइटन कंपनी की शुरुआत हुई, और पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने टाइटन के वो थे मिस्टर भास्कर भट्ट, और उन्होंने इस कंपनी में बहुत ही अच्छा काम। सो टाइटन ने अपना मेन फोकस कॉर्ड्स वॉचेस में रखा और मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, बट जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई तो मोस्ट ऑफ द जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको टाइटन के साथ काम ही नहीं करना था, बिकॉज जो मार्केट लीडर था उस टाइम पे वो था HMT, और जो मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो HMT के साथ टाइप हो चुका था, तो टाइटन के साथ किसी को काम ही नहीं करना था। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग शोरूम क्रिएट किए, और यहाँ पे टाइटन ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया, उन्होंने देखा कि जो रिपेयर सेंटर रहते हैं अलग अलग शोरूम में वो अगर कस्टमर की वॉच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो वॉच लेके जाते हैं और अंदर अपना कुछ भी सीक्रेटली काम करके फिर से वॉच दे देते हैं। टाइटन ने अपने शोरूम में एक रिपेयर सेंटर बनाया जहाँ पे वो कस्टमर ट्रांसपेरेंटली देख सकता है कि जो टेक्नीशियन है जो अपनी बिगड़ी हुई वॉच को रिपेयर कर रहा है वो क्या एग्जैक्टली कर रहा है। और ऐसे टाइटन ने अपने कस्टमर के मन में एक ट्रस्ट बिल्ड किया, और ये टाइटन को बहुत ही हेल्पफुल रहा अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। और टाइटन ने ये सिर्फ अपने वॉच के बिजनेस में नहीं किया, इन्होंने ये सेम स्ट्रेटेजी अपने गोल्ड के बिजनेस में भी अप्लाई की। अगर आप आज देखोगे टाइटन का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू गोल्ड और ज्वेलरी के सेक्टर से आता है। पहले के समय में लोग ये जो बड़े बड़े शोरूम है उनके साथ बिजनेस करना पसंद ही नहीं करते थे जब गोल्ड की बात आती थी, बिकॉज गोल्ड में ट्रस्ट फैक्टर होना जरूरी है। तो जो फैमिली में जो ज्वेलर रहता था उनके साथ ही लोग ज्यादा बिजनेस करते थे, बट ये जो ज्वेलर्स है वो कभी कभी अपने कस्टमर्स को चीट भी करते थे। टाइटन ने अपने कस्टमर्स को कहा कि हमारे शोरूम में आपके जो गोल्ड है, आपके पास जो गोल्ड है उसकी इम्प्योरिटी चेक हम फ्री में करेंगे। ऐसे करके कस्टमर उनके शोरूम में आते थे अपना गोल्ड लेके, और वहाँ पे टाइटन उनकी फ्री में इम्प्योरिटी चेक करके देता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम पता चलता था कि जो गोल्ड के लिए कस्टमर ने पे किया है वो क्वालिटी का गोल्ड उनको दिया ही नहीं गया है। और ऐसे कर करके जो टाइटन ने अपना कस्टमर बेस बढ़ाया, कस्टमर के मन में एक ट्रस्ट बिल्ड किया, और आज टाइटन गोल्ड ज्वेलरी एंड वॉचेस के सेक्टर में मार्केट लीडर है इंडिया में। हमेशा से टाइटन ने अपना मेन फोकस रखा है ट्रांसपेरेंसी पे, अपने कस्टमर के मन में खुद के लिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, और कैसे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में ला के अपना अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई टाइटन की। अभी हम आते हैं थर्ड और फाइनल कंपनी पे जिसका नाम है मारिको। मारिको की हिस्ट्री मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सो मारिको की स्टोरी शुरू होती है मिस्टर हर्ष मारीवाला जी से। इनका जो बिजनेस था, फैमिली रन बिजनेस था, वो मेनली ऑयल एंड स्पाइसेस पे था, और उस जमाने में एडिबल ऑयल बेचा जाता था वो बड़े बड़े टिन के डब्बे पे बेचा जाता था। तो मारीवाला जी ने सोचा कि क्यों ना हम इस एडिबल ऑयल को छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे में बेचे, हाफ और 1 लीटर के प्लास्टिक के डब्बे में। और यहाँ से आइडिया आता है पैराशूट का। इट वॉज नॉट न्यू आइडिया एक्चुअली, कई लोगों ने ट्राई किया था कि प्लास्टिक के डब्बे में तेल को बेचा जाए, बट तब क्या होता था कि जो दुकानदार रहते थे उनके दुकान में चूहे होते थे, और वो चूहे वो प्लास्टिक के डब्बे को आराम से कुतर लेते थे और पूरे दुकान को गंदा कर देते थे।
तो ये जो तेल का आइडिया था उन लोग के लिए फ्लॉप हो चुका था। सो इसमें मारीवाला जी ने क्या किया, मारीवाला जी ने नोटिस किया कि जो ये लोग प्लास्टिक के डब्बे बेच रहे हैं वो स्क्वायर बना रहे, जिसकी वजह से जो चूहों की जो ग्रिप है वो अच्छे से बन रही है वो डब्बे पे। उन्होंने सोचा कि हम इस डब्बे को स्क्वायर नहीं, हम इसे राउंड बनाते हैं। आज अगर आप पैराशूट की बॉटल देखोगे तो वो राउंड और कर्व शेप में, और ऐसे पैराशूट जो ऑयल है वो हिट हो गया मार्केट में। बट जैसे ही कोई प्रोडक्ट हिट होता है मार्केट में, उसकी कॉपीज बनने लगती है और वो कॉपीज बिकने लगती है मार्केट में। जो नया कंपटीशन आया था मार्केट में, जो कॉपीज का बिजनेस बढ़ने लगा था और उसकी वजह से जो पैराशूट का जो मार्केट शेयर था वो कम होने लगा था, उसको ये कॉम्पिटिशन को हटाने के लिए मारिको ने क्या किया, मारिको ने अपने पैराशूट के बॉटल में जो आप अगर देखोगे तो एक खांचा है ड्रॉप के शेप का, ये जो खांचा है वो बनाने के लिए जो मोल्ड चाहिए रहता है वो बड़ा ही एक्सपेंसिव होता है, और वो जो छोटे प्लेयर्स है जो कॉपी बेचते हैं उन लोग के लिए ये अफोर्ड करना आसान नहीं है। मारिको तो ये ऐसा कर सकती बिकॉज वो हजारों करोड़ों का बिजनेस कर रही थी, बट ये जो छोटे प्लेयर्स है वो ऐसा नहीं कर सकते। उसकी वजह से एक जेन्युइननेस आ जाती है बॉटल में, और इसको उन्होंने एडवर्टाइज भी किया बिकॉज ऑफ कि आप अगर बाय कर रहे हो कस्टमर तो वो एक जेन्युइन प्रोडक्ट बाय कर। सो ऐसे एक खांचा डाल के पैराशूट की बॉटल में ड्रॉप के शेप का, कस्टमर को पता चल जाता था कि ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, और इस तरह से कॉपीज के बिजनेस को पूरी तरह से हटा दिया मारिको ने। सो अब मारिको मार्केट लीडर था अपने सेक्टर में, बट यहाँ पे एंट्री होती है HUL की। HUL को ये मार्केट शेयर छीनना था मारिको से, और इसकी वजह से HUL अपना एक नया प्रोडक्ट लेकर आया निहार करके, और उसकी HUL ने बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग की, और सबको लगने लगा कि अभी एक बार HUL आ गया है तो मार्केट शेयर मारिको के पास नहीं रहेगा, मार्केट शेयर डिवाइड हो जाएगा HUL के पास। बट ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली। मारिको का जो पैराशूट ऑयल है वो एक एडिबल ऑयल है, अगर आप चाहो तो उसे आप अपने खाने में भी यूज कर सकते हो, और खाने के प्रोडक्ट पे टैक्स कम दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो HUL का निहार ऑयल है वो एक्चुअली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में रजिस्टर था, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे टैक्स ज्यादा लगता है, और उसकी वजह से जो प्राइस डिफरेंस था पैराशूट और निहार में वो बहुत ही ज्यादा था, और उसकी वजह से HUL मारिको से अपना मार्केट शेयर नहीं छीन पाया। HUL ने बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग की, सब कुछ ट्राई किया मारिको से मार्केट शेयर छीनने के लिए, बट ऐसा नहीं हो पाया। और एट दी एंड 2006 में थक हार के HUL को अपना निहार जो ब्रांड है वो बेचना पड़ा। और क्या आपको पता है वो निहार जो ब्रांड है वो किसको बेचा HUL ने? मारिको को। मारिको ने निहार ब्रांड को खरीद लिया HUL से, और आज निहार मारिको के अंडर आता है। सो ये थी स्टोरी मारिको, टाइटन और HDFC बैंक की। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा रहेगा। इफ येस, प्लीज ये वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना अच्छा होता है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।